गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल एंड न्यू ब्लॉग्स। आज की डेट हो गई है आपकी 25 और मैं पिछले 17 तारीख से आया हुआ हूँ इस मुंबई के अंदर। मतलब ये पिछले नहीं, उससे पिछले वाली जो अभी गई है ना, ये वाली 17 तारीख नहीं, उससे पिछले वाली 17 तारीख में मैं आया था मुंबई में अपना एक नया स्ट्रगल लेकर के। पर अभी हमको यहाँ पे गाड़ी वाड़ी कुछ मिला नहीं है तो मेरा स्ट्रगल यहीं से समाप्त होता है। एक्चुअली क्या स्ट्रगल समाप्त नहीं होता है, मतलब मेरा कोई काम ही नहीं मिला मुझे यहाँ पे। तो अभी मैं इतने फ्रस्ट्रेशन, इतनी टेंशन, इतना सब कुछ बहुत बहुत फट्टे वाला है यार। अभी अपन परेशान है यार। उसके लिए क्या पता है, मैंने जो भी मेरा पास बजट था, मेरा पैसा था, जो भी मैंने फंसा के रखा है बिल्कुल, जैसे मैं कैमरा ले लिया, लैपटॉप ले लिया, गाड़ी चलाने के लिए यार यहाँ पे मेरे पास डीएल है, बैश है। मैं सोच रहा था अपना पार्ट टाइम गाड़ी चलाता रहता था, पार्ट टाइम अपना यूट्यूब का काम करता रहता था, काम बोले तो ब्लॉगिंग करता रहता था। उसके बाद मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि मतलब अभी गाड़ी नहीं मिली, पूरा एक महीना हो गया। मुंबई हर किसी को पना नहीं देती है यार, मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ ना इस बारी मुंबई के अंदर। वैसे मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, मैं पिछले 5 साल से मुंबई में रह रहा हूँ और वही ड्राइविंग ही कर रहा हूँ। उससे पहले मैं थोड़ी छोटी सी जॉब करता था, वो जॉब मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने वो ड्रॉप आउट कर दी। और अभी मुझे अच्छा लगता था ड्राइविंग करना, मतलब नई नई लोकेशन पे जाना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, हालांकि वो मेरा काम भी था और मुझे अच्छा भी लगता था। पर अभी क्या हुआ है मेरे साथ में, पिछले अगस्त से पहले जो महीना आता है उस महीने से पहले 17 तारीख से मैं आया हुआ था यहाँ पर एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, गाड़ी नहीं मिली। डेली का 300-200 रुपये खर्चा है, कहाँ से अफोर्ड करूँगा वो, पॉकेट में जितना था वो खलास होगा अभी। पर इस ब्लॉग में मैं आपसे यही बोलने वाला था कि मैं अभी यहाँ से दिल्ली निकल रहा हूँ, दिल्ली, और दिल्ली जा कर के वहाँ मेरी जॉब का सिलेक्शन हुआ है, पर अभी कंफर्म नहीं हुई है, पर सिलेक्शन हो गया है। मतलब मैं जाऊँगा तो वो मेरा टेस्ट लेंगे, अगर वो टेस्ट में मैं कामयाब हुआ या पास हुआ, इंटरव्यू में क्रॉस कर दिया तो मेरी जॉब फाइनल हो जाएगी। और बहुत ही स्वीट जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है, 5-6 घंटे का काम है, उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम है और मुझे बहुत अच्छी भी लग रही है कि उसमें 25,000 रुपीज़ सैलरी मिल रही है मुझे और मैं आसानी से सब कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ उसमें। और ब्लॉग भी बना सकता हूँ, ब्लॉग बनाने के बाद जो मेरा एक नेचर का ड्रीम है, मतलब मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना है, कैंपिंग करना है, हाइकिंग करना है और ट्रैकिंग, ये सब आ जाता है, ट्रैकिंग वो सब मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है यार। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का एक एक कोना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, एक एक वाटरफॉल देखना चाहता हूँ, घाट सेक्शन जितने वो देखना चाहता हूँ, डैम जितने हिंदुस्तान के अंदर हैं वो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, हर एक सिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। पर वो करना तो चाहता हूँ मैं, पर वो आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके सपोर्ट के बगैर जीरो हूँ, जीरो। वो जीरो नहीं होता छोटा वाला गोल सा जो एक के आगे लगाते हैं और एक के पहले भी लगता है, हाँ वही, जिसका आविष्कार हिंदुस्तान में ही हुआ था जीरो का आविष्कार, तो वो जीरो ही हूँ अभी मैं। अगर जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे या फिर वॉच वीडियो देखेंगे या शेयर करेंगे तो मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा क्या होगा कि मैं एक स्टेप बाय स्टेप अप ऊपर ही जाता रहूँगा, बट अगर आपका सपोर्ट नहीं है तो फिर डाउन 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 डाउन। पर हार नहीं मानी, किस्मत मुझे कहीं भी लेकर के जाए पर मैं आगे बढ़ता ही रहूँगा। और अगर दिल्ली में भी वापस मुझे जॉब नहीं मिली तो फिर मैं रिटर्न वहाँ से ट्रेन पकड़ के फिर वापस बॉम्बे। एक बार जो आ गया ना वो नहीं छोड़ता यार तो कोई भी, पर मैं भी छोड़ना नहीं चाहता यार दोस्त। लेकिन यार प्लीज़ ना यार, एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को और मेरे चैनल को एक्सप्लोर करो। धीरे धीरे आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ अपने वीडियोस के अंदर। मैंने अपना चैनल का नाम बड़ा है कि यूनिक सा रखा है, द मेंटल माइंड, पागल दिमाग। तो वो पागल दिमाग मेरे अंदर छाया हुआ है, भर के भरा हुआ है पागल दिमाग पर पागलपन। और वो पागलपन जब ही निकलेगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे, जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो कसम से यार वो पागल भर के निकलेगा पागलपन, मज़ा आ जाएगा आपको मेरे वीडियोज़ देखने में। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, अभी मुझे लेट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी 10:30 बज गया है और मैं जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए, क्योंकि 11 बजे तक काउंटर खुला रहता है। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लोगों में बांटो। तब तक के लिए बाय।